आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फैमिली न्यूज चैनल, मैं हूं आपके साथ में। आइए नजर डालते हैं न्यूज मंदसौर की बड़ी खबरों पर। नीमच जिले में एसपी की विशेष टीम को मिली बड़ी सफलता, लापता नेहा जोशी को किया बरामद। 14 माह से थी लापता, राजस्थान के प्रतापगढ़ में बसाया था अपना घर। छोटी सादड़ी में विकास प्रजापत हत्याकांड को लेकर गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में किया बड़ा खुलासा, बोले व्हाट्सएप स्टेटस पर पिटाई का वीडियो अपलोड करने के कारण हुई हत्या। नेहा जोशी ने पूछताछ में नीमच एसपी को सुनाई फिल्मी कहानी, बोली माता पिता कर रहे थे प्रताड़ित, घर से भागी तो भादो माता में मिले बुजुर्ग पति पत्नी, उन्हीं के साथ शुरू की मैंने जिंदगी। लापता नीमच की बेटी नेहा जोशी की बरामदगी के बाद गरमाई राजनीति, मनासा विधायक मारू ने बोला कांग्रेस पर हमला, पलटवार करते हुए कांग्रेस ने बताया चावला और विधायक मारू के आपसी रार। मंदसौर जिले के सितमऊ में प्राण प्रतिष्ठा से पहले देव प्रतिमाओं को कराया नगर भ्रमण, भजनों पर झूमे सैकड़ों भक्त, कई प्रमुख चौराहों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया गया। नीमच में रामनवमी के अवसर पर आराध्य वेलफेयर सोसाइटी ने किया कन्याओं को जन्म देने वाली 11 माताओं का सम्मान, एसटीएम और संस्था के कई सदस्य रहे मौजूद। नीमच में श्री राम भक्तों और समाजजनों द्वारा रामनवमी बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाई गई। श्री राम परिवार का अभिषेक कर महाआरती की गई, भजन कीर्तन कर खूब झूमे भक्त। सांसद सुधीर गुप्ता पहुंचे नीमच, अन्नपूर्णा सेवा न्यास द्वारा चलाए जा रहे सेवा प्रकल्प का किया निरीक्षण, अनुशासन से साफ सुथरे वातावरण को देख संस्था को दी बधाई और शुभकामनाएं। श्री संघ के वरिष्ठ ट्रस्टी के सुपुत्र मुमुक्षु आकाश लोढ़ा का निकला वरघोड़ा, प्रमुख मार्गों से होता हुआ जैन भवन पहुंचकर धर्म सभा में हुआ परिवर्तित। मुमुक्षु की दीक्षा अखा तीज पर उज्जैन में भव्य रूप से होगी संपन्न। नीमच जिले के देवरी खवासा में चारभुजा मंदिर पर बड़े धूमधाम से मनाया रामनवमी का पर्व, भगवान चारभुजा की महाआरती कर प्रसादी का वितरण, सैकड़ों भक्त कार्यक्रम में हुए सम्मिलित। अब जानते हैं खबरें विस्तार से।